असलम वैल्कम आई यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं आप लोग आज की जो रेसिपी होने वाले हैं ना क्योंकि अहम लड़कियाँ ना हो बहुत मीठा पसंद करती हैं मैं तो बहुत पसंद करती हूँ कौन कौन मीठा पसंद करता है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा अब डाइट कर रहे हैं और मीठा नहीं खा सकते हम मीठा खा सकते हैं हम किस तरह हेल्दी वे में मीठा खाएंगे कि हमारा वजन भी ना बढ़े और हमें मीठे की क्रीविंग भी दूर हो जाए तो, तो आ... यहाँ मैंने लिया है ओट्स ओट्स के बहुत ज़्यादा फायदे हैं आप अपनी डाइट पर ज़रूर ओट्स ऐड करें अगर जो डाइट करते हैं इससे आप बिल्कुल भी वीकनेस देखो कि इसमें फाइबर आयरन मिनरल वाइटामिन सब कुछ होता है इसमें तो आपको ज़रूर ऐड करना है यहाँ मैंने टेन टेबल स्पून क्योंकि मैं कप का हिसाब नहीं बताऊंगी फिर आप मुझसे पूछते हैं छोटा कप या बड़ा कप टेन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ओट्स लिए हैं और उसको मैंने भुना है और धीमी आंच पे रख दिया ताकि वो अच्छे से भून जाए यहाँ मैंने हाफ कप लिया है लो फैट मिल्क ठीक है उसमें वन टेबल स्पून मैंने डाला है कोको पाउडर क्योंकि मैं बना रही थोड़ा चॉकलेट टाइप का तो मुझे इसलिए चॉकलेट पसंद है तो मैं इसलिए कोको पाउडर डालूंगी और मीठे के लिए मैं इसमें डाल दूंगी खजूर खजूर का मैंने पेस्ट बनाया था थोड़ा सा पानी दा के इसको ब्लेंडर कर दिया था तो वो पेस्ट नुमा टाइप बन गया था तो मैंने कितनी खजूर ली थी मैंने आठ खजूर ली थी आपको जितना मीठा पसंद है आप खजूर उतनी ऐड कर सकते हो मेरे लिए ये इनफ था और मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगी कि इस तमाम सब चीज़ों को मिला के ये कितनी कैलोरीज बन गई थी इस पूरे मीठे की और हम पर सर्विंग ले रहे हैं तो हम कितनी कैलोरीज अपना ले रहे हैं लेकिन वो हमें बैड कैलोरीज नहीं मिल रही हैं तो हम दो भी ले सकते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं चाय के साथ आप दो ले लें वाह वाह मजा आ जाएगा खैर एनीवेज मैं यहां पर इसको मिक्स करूंगी और आप इसको सेव भी कर सकते हो एक वीक तक लिए ख़राब नहीं होता है अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से बिल्कुल यानी जो चॉकलेट वाला सॉस बना है ना वो खजूर के साथ बहुत अच्छे से इसको पकाऊंगी यानी मेल्ट हो जाए खजूर भी और मेरा वो भी ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा पकता जाएगा ना तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा एक बॉल में मैं निकालूंगी ओट्स जो मैंने भुने थे ये बहुत अच्छे से भुन चुके थे अच्छे से यानी कुक हो चुके थे भुनने तो मुरादे नहीं अच्छे से कुक हो चुके थे अब नट्स आपने लेने मैंने मिक्स नट्स लिए इसमें थोड़ी सी खिशमिश थी थोड़ा सा काजू था पिस्ता था बादाम था और पीनट आई लव पीनट मुझे बहुत पसंद है पीनट तो इसलिए मैंने पीनट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली थी और मैं जब बाइट ले रही थी ना इसका जब मैंने खाया ये तो हाँ, जो नट्स मुँह में आ रहे थे ना उफ मैं आपको बता नहीं सकती अब आप ये देखो ना मैंने पहले ऑयल डाला था ना मैंने अभी ऑयल डाला है आपने ऑयल नाम की कोई चीज़ नहीं डालनी जस्ट इसको भुनना है मतलब अच्छे से इसको रोस्ट करना है तो यहाँ पर मैंने रोस्ट किया है जो जो यानी मैं काजू की चीज़ें तोड़ तोड़ के रख रही थी ताकि ज़्यादा काजू हो जाए और मेरे मुंह में हर एक बाइट में मेरे काजू बादाम वो सारे नट्स मेरे मुंह पर आए और बहुत ही ये यमी बनी थी रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा जो नई भी डाइट करे ना वो भी ट्राई करें जो डाइट कर रहे हैं वो भी ट्राई करें ताकि आपको एक हेल्दी ये हेल्दी है ये बहुत हेल्दी आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा और इस, न, आप आप इसको खाएंगे ना आप सुबह नाश्ते में ले लो टिक टाइम में ले लो आप इसको डिनर में ले लो डिनर के बाद हमें मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना आप इसको जब चाय ले लो आराम से ऐसा नहीं कि इसको रात आप जैसे केक रात में नहीं खा सकते बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती है ये आप ऐसा कुछ भी नहीं इसमें कोई बैड कैलोरीज नहीं है इसको आप आराम से आप देखे सारी हेल्दी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं अच्छा आप जैसे मैंने चॉकलेट मुझे पसंद है आप इसमें वन से टू टेबल स्पून पीनट बटर डाल सकते हो लेकिन उससे थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है लेकिन मैं नेचुरल चाह रही थी कि हर चीज़ मैं खुद बना के डालूँ तो इसलिए वो मैंने नहीं डाला आप इसमें न्यूट्रेला भी डाल सकते तो मैंने वो भी नहीं डाला मैंने कहा मैं खुद अपनी सारी चीज अपने हाथ से बनाऊंगी और फिर मैं इसमें डालूंगी ताकि मुझे पता हो जो मैं खा रही हूँ ना वो बहुत हेल्दी वे में कोई भी मैं, को भी मैं नुक, अपना नुकसान नहीं कर रही हूं तो आपको हेल्दी वे में मेरी डाइट मिलेगी आप हर चीज़ इंजॉय करोगे इनशाला मैं बहुत जल्द जिंगर बर्गर की भी देने वाली क्योंकि जो, जो जो मुझे पसंद है ना और जिस चीज़ की मुझे क्रेविंग होती है कि मैं ये भी खाऊँ मैं वो भी खाऊँ मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आपकी जो अगर क्रेविंग आ रही है तो आप बाहर लेने से बेहतर है आप अपने पास बना लो 哦，耶！Oh, yeah. आराम से एक वीक रख सक रख सकते हो आप फ्रिज में इसको ख़राब नहीं होता मैंने छः पीस बनाए थे इसके आराम से मेरे छः बन गए तो मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में अच्छा ये जो मैंने पैन लिया था ना ये मुझे लग रहा था बड़ा है अगर मैं इसको जितना फैला रही थी ये पतला हो रहा था पतले बनाऊँगे तो जो, जो मिठाई टाइप के जो बनेंगे ना वो पतली पतली बनेगी फिर वो मुझे मज़ा नहीं आएगा तो मैंने क्या किया इसको हटा पहले तो मैंने अच्छे से इसको सेट करने की कोशिश की जब मुझे लगा कि ये नहीं किसी तरह भी थिक हो रहा है तो फिर मैंने इसको स्विच किया अपने दूसरे बॉक्स यहाँ देखें मैं ने दूसरा बॉक्स ले लिया है और उसको अच्छे से बिल्कुल आप देखो मैंने किस तरह प्रेस करते 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 इसको बनाया है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना थिक बनेगा ये जब अब मैं इसको काटूंगी तो आराम से कटेगा भी और जब मैं खाऊंगी तो हर चीज़ मेरे मुँह पर बाइट भी आएगी यहाँ मैंने चार घंटे नीचे रखा था फ्रीज़र में ना के ऊपर डीप फ्रीज़र में नहीं मैंने फ्रीज़र में रखा था तो यहाँ पर मैंने नीचे नॉर्मल फ्रिज इसको किया है चार घंटे मैंने इसको रखा ताकि अच्छे से जम जाए और ये ठंडा ठंडा खाते हैं ना ट्रस्ट मी बहुत ही कोई यम्मी लग रहा है जो मीठे की क्रीवी जिनको होती ना जिनको खजूर पसंद है हनी पसंद है अच्छा मैंने इसमें हनी भी डाला था मैं बताना भूल गई मैंने वन टेबल स्पून हनी भी डाला था आपने देख लिया होगा वीडियो में और मैं यहाँ से कट करूँगी सिक्स पीस आपकी मर्जी आप कितने ज़्यादा इसको कर सकते हो सारी चीज़ें मिला के इसी कैलोरीज बनी थी सिक्स कैलोरीज ठीक है और मैं एक लूँगी तो वन कैलोरीज अगर मैं दो भी लूँगी तो टू ट्वेल्व कैलोरीज बस जबकि मैं एक बिस्किट लेती हूँ वन सिक्सटी कैलोरीज जो कि मुझे फैट भी देता है ये मुझे बिल्कुल भी फैट नहीं देगा तो यम्मी बनी ना तो आप जरूर ट्राई करिएगा जब ट्राई करेगा तो जरूर मुझे बताएगा आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा लाभ